ईरान के रिलेशनशिप इंडिया के साथ पहले ही बहुत बेहतर है कि इंडिया के रिलेशनशिप अफगानिस्तान के साथ भी आपसे बेहतर है। वो उन्होंने छोटा बच्चा अपना तरीके तालिबान पाकिस्तान रखा हुआ है, वो उसको यूज करेंगे आपके साथ, आपको ब्लैकमेल करेंगे उस तरीके से। वो 50 टन इंडिया को गंदम देने की बात कर रहे हैं, हम भूखे बैठे हैं, हम कर्जे लेने की बात कर रहे हैं। आप मशहूर हो चुके हैं पूरी दुनिया में डबल गेम करने के लिए। भारत ने और ईरान ने एक बड़ा जो है वो प्लान तैयार किया है। मैं तो समझूंगा कि हमने शायद एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है कि ईरान ने ऑफर किया है इंडिया को कि जो आटा आपने पाकिस्तान के रास्ते भेजना था लेकिन आप 2 महीने निगोशिएशन चलती रही लेकिन वो ना हो सका, तो अब वो जो है वो वाया आप तेहरान भेजें। इससे पहले उन्होंने मेरा ख्याल है कोई कोविड वैक्सीन भी वाया तेहरान भेजी है। तो टेक्निकली तो ईरान ने पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में कम करने के लिए ये काम किया। दूसरा ये है कि इंडिया ये समझता है कि जो इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी शिया लॉबी है जो समझती है कि इंडिया और ईरान के ताल्लुकात जो है वो ठीक होने चाहिए, और क्योंकि वो समझता है कि पाकिस्तान को इनसर्कल करें। अफगानिस्तान पहले ही आपको पता है वहां पे कुछ नहीं है, चाइना के साथ हमारी कैपेसिटी नहीं है, सीपैक की वजह से बजाय इसके जो फायदे होते वो नाराज बैठे हैं, और भी प्राइम मिनिस्टर अगले महीने जा रहे हैं उनको मनाने, इंडिया से वैसे मामलात खराब है। तो आप इस सारे प्रोसेस सिनेरियो कैसे देखते हैं जो ईरान ने बेसिकली इंडिया को ऑफर किया कि आटा वो वाया तेहरान भेजे, गो के उनको महंगा पड़ेगा क्योंकि वो बाहर फ्लो करेगा, तो ये जो पाकिस्तान ने क्या एक अपॉर्चुनिटी मिस की है जिससे पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो थे वो कहीं हद तक नॉर्मल भी शायद हो सकते थे, या क्या आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया को ये ऑफर ही नहीं करना चाह रहा था और ये चाहता ही नहीं था कि ये इंडिया जो है वो ये हमारा रास्ता इस्तेमाल कर सके। अफगानिस्तान जाएगी, पहली शर्त इन्होंने या तो भी रिफ्यूज कर दो, ब्लंटली कह दो नहीं जी हम नहीं करेंगे, हमारा सिक्योरिटी मैटर, देखें निगोशिएट करने में, देखें किस तरह हमारे ये जो लोग निगोशिएट किस तरह करते हैं पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल। इन्होंने कहा जी कि आप ट्रक लेकर आएंगे, आपके ट्रकों से गंदम उतरेगी वाघा बॉर्डर पे, उस बॉर्डर पे उतरेगी, फिर हमारे ट्रक लेके उनको अफगानिस्तान जाएंगे और उन ट्रकों का खर्चा आप खुद देंगे। अब ये वो मुल्क है जो निगोशिएट करने जिन्होंने ऑफर किया है, जो सारी दुनिया को बुला बुला के मिनतें कर रहा है कि आओ इनकी मदद करो, ये भूख से मर रहे हैं, वहां पे इंसानी एक बहुत बड़ा अलमिया होने वाला है, उसको बचाया जाए और वो विल बी द डायरेक्ट विक्टिम। ये वो मुल्क जो है वो आगे से ये इस तरह ही कर रहा है। आप ये ना देखें कि वो गंदम हिंदू है या सिख है या वो कौन सी है, और यार गंदम जा रही है या खुद दे दो, अगर नहीं देने की सलाहियत रखते तो दूसरों के क्यों रोक रहे हो भाई। अच्छा फिर आपने पहले निगोशिएशन ये शुरू की है कि हमारे अपने ट्रक लेकर जाएंगे, हम भी पैसे बनाएंगे उसमें से, हो सकता है ये गंदम बेचे जा इंडिया की गंदम, क्या पता बेच देते अपनी गंदम, तो आपको पता है ना जिस तरह से हर चीज सब्सिडी पे बेची जाती है, चीज पाकिस्तान में गोदाम में पड़ी होती है, कागजों में अफगानिस्तान चली जाती है, सब्सिडी ले ले जाती है, ये कोई ढका छुपी बात नहीं है, हर बंदे को पता है पाकिस्तान में पहले इस तरह हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर। अच्छा दूसरी बात ये मैं करना चाहूंगा चीमा साहब, ईरान के रिलेशनशिप इंडिया के साथ पहले ही बहुत बेहतर है, उन्होंने अपनी पूरी एक उन्होंने आपको पता है वो अपनी एक चाबा उन्होंने लीज पे दी हुई थी अपनी एक बंदरगाह, उनके साथ उनके रिलेशनशिप पहले ही बहुत बेहतर है। मैं यहां पे ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि इंडिया के रिलेशनशिप अफगानिस्तान के साथ भी आपसे बेहतर है। वो पूछे किस तरह, उनके बच्चे अफगानी सारे वहां पढ़ने जाते हैं, आप इलाज कराना सारा वो अफगानिस्तान जाते हैं, उनकी पुलिस को ट्रेन करता है तो इंडिया करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी कौमी असेंबली की बिल्डिंग इंडिया ने बना के दी है, आपके साथ रिलेशनशिप अफगानिस्तान के आज किधर खड़े हैं, आपकी बाढ़ उखाड़ के उन्होंने कहा कि वी डोंट रिकॉग्नाइज दिस बॉर्डर लाइन, आपके रिलेशनशिप ये है, बल्कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से OIC या माली इमदाद के लिए और तस्लीम करने के लिए अब वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने छोटा बच्चा अपना तरीके तालिबान पाकिस्तान रखा हुआ है, वो उसको यूज करेंगे आपके साथ, आपको ब्लैकमेल करेंगे उस तरीके से। लेकिन आप मैंने बताया कि आपके आपके जो वॉइस राइज हैं उनके इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है, वो सारे ब्रिटेन और सारे कैनेडियन हैं, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं है ये, बल्कि जो आपने गंदम वाली बात की ये ब्लंडर था, आप पाकिस्तान की गुडविल को मजीद डैमेज हुआ है उससे। आप एक फिक्रा शुरू में कह देते नहीं जी हम नहीं कर सकते,
इसको इतना जो आपने ड्रैग किया है, आपने जितने बुरे तरीके से नेगोशिएट किया है, आपका चेहरा असली दोबारा कौम को सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि आप किस तरीके से चीजों को पलूट कर देते हैं और किस तरीके से अपना उसमें से कोई इस तरह का एक अपना एक, मुझे तो कोई नजर नहीं आता कि इसमें से कोई इनका कोई इंटरेस्ट था कोई इनमें, हम इस तरह करेंगे तो पाकिस्तान की गुडविल बेहतर हो जाएगी, इसमें से मुझे तो कुछ भी। हाँ, लेकिन ये है कि ईरान का इन्फ्लुएंस पहले भी इंडिया के साथ बहुत बेहतर था। ईरान जो है पहले भी अपना पेट्रोल बेचता रहा इंडिया को, उनका उनके साथ रिलेशनशिप पहले भी बहुत बेहतर था, आज भी बेहतर है। अफगानिस्तान में वो मेरे ख्याल में इंडियन जो है अपना इन्फ्लुएंस मजीद फिर दोबारा अफगानिस्तान में बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, वो 50 टन इंडिया को गंदम देने की बात कर रहे हैं, हम भूखे बैठे हैं, हम कर्जे लेने की बात कर रहे हैं, ये डिफरेंस है हम दोनों में। तो देख लें दुनिया में किसकी गुडविल बेहतर होगी, उसी की होगी जो देने की सलाहियत रखता है। तो जो हर वक्त आपके कपड़े फाड़ रहा हो, आपसे मांग रहा हो सुबह शाम, तो उसके साथ फिर आपकी दुनिया की रिलेशनशिप क्या होगी, ये दुनिया आपको किस नजर से देखेगी, आपको कितनी रिस्पेक्ट देगी, हो तो वो रिस्पेक्ट आप ले रहे हैं पूरी दुनिया से। वो जिस तरीके से आपको बता, आप खुद ही बता रहे थे, खास आप जा रहे हैं चाइना मनाने जा रहे हैं, मनाने क्या जाना है, वो तो पैसे मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उनकी नाराजगी क्या है, तो वो आप उनसे पैसे बना रहे हैं, उनके उन्होंने वो वन रोड वन बेल्ट जो इनिशिएटिव था, आप उसमें से पैसे बनाए, मिल्किंग की आपने उसमें से भी, तो उनको एतराज तो यही है कि आप उस एक तो वो प्रोजेक्ट स्लो चल रहा है, और आप दूसरा ये कि उसके इसलिए स्लो चल रहा है क्योंकि आप उसमें से पैसे बना रहे हैं, तो यही एतराज इसी तरह किस्म, क्योंकि अच्छा सबसे बड़ी बात तो ये है ना चीमा साहब, इस वक्त चाइना और वेस्ट का आपके बारे में ओपिनियन क्या है, आप मशहूर हो चुके हैं पूरी दुनिया में डबल गेम करने के लिए। अब वो चाइना वाले भी देखते हैं कि जरा थोड़ा सा अमेरिका डॉलर दिखाता है तो आप उधर चले जाते हैं, आपका उनके साथ रिलेशनशिप भी सिर्फ पैसा बेस है, आप उनसे पैसे लेके सऊदियों को दे देते हैं, सऊदियों से पैसे लेके उधर कर देते हैं, आप ये आपका इमेज तो पूरी दुनिया में ये है कि आप डबल गेमर है, आप मुखलस किसी के साथ भी नहीं है, आप जो भी करते हैं तो आप ड्रोन अटैक भी करते रहो, हम मजम्मत भी करते रहे, आपकी पॉलिसी ये है हमेशा हर गवर्नमेंट। मुझे तो मेरे लिए लम्हा फिक्रिया इस वक्त एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन ये है चीमा साहब, हमारा आगे मुस्तकबिल क्या है, हमने एक ऐसा रियासत मदीना का ठेकेदार तो ट्राई कर लिया, वो तो नहीं चला, अब आगे हमारा क्या मुस्तकबिल है, आगे हमें कौन रेस्क्यू करेगा, कोई इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में बचा है जो इतनी गुडविल रखता हो जो हमें बचा सके, कोई इस तरह की विल रखता हो, वो लीडर कहां से लाएंगे, वो इस तरह एक नया चेहरा कहां से आएगा, वो एक जो पाकिस्तान को बचाएगा, एक नए ट्रक की बत्ती किस तरह से, मुझे पता है इस वक्त जो पाकिस्तान के ठेकेदार हैं जो सारे बैठे हैं वो यही सोच रहे हैं, अब नए ट्रक की बत्ती ढूंढ रहे हैं, कौन सी बत्ती दिखाए इनको कि जिनके पीछे पाकिस्तान को लगाया जाए, लेकिन ये इस वक्त पूरा पाकिस्तान कंफ्यूज है, मायूस है, और वो कहते हैं ना कि वो बेचारे डिप्रेस, मैं खुद डिप्रेस हूँ यहाँ वॉशिंगटन डीसी में, अपने मादरे मिल्लत की देखता हूँ हालात जिस तरीके से, सिसक सिसक के मेरा मकसद है कि आप किस तरीके से IMF के पाओ में पड़े हुए हैं, किस तरह मिनी बजट दे रहे हैं, किस तरह आप चाइना को मनाने मिनते तरले करने जा रहे हैं, किस तरीके से आपका कर्ज की आपकी रेशो इतनी बढ़ चुकी है कि आपके हालात किस साइड से कहां जा रहे हैं,